मेरे लोग दो तारीख को रोए थे सर फोन के ऊपर पचास हजार की भीड़ थी मेरे घर के सामने आठ तारीख बढ़ा यहाँ से रिश्ते बनाए हैं यहाँ से नहीं यहाँ से राजस्थान में हम कम से कम बारह सीट लेके जाएंगे सर छावटी बेल्ट नॉर्थ राजस्थान नॉर्थ राजस्थान साफ हो जाएगा राजेंद्र राठौड़ जिसको पाका कहते हैं उसकी ओर आपकी जो विवाद कर सकते आप डायरेक्ट में वो लगता बसपा बसपा भाजवाड़ा से मिली आप डायरेक्ट कैसे बोलते हो वंशवाज आप कैसे कौन डिफाइन करेगा वंशवाज ये ऐसे खाज होती है ये

प्रथम चुनाव प्रथम चरण का चुनाव है जो बारह सीटों पर होना है मेरे साथ चूरू चूरू से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के राहुल कस्वा मेरे साथ मौजूद हैं हाल फिलहाल उनसे बात कर लेता हूँ सर किस प्रकार देखते हैं पूरे मामले को सामने देवेंद्र झाझड़िया हैं जो प्रोल्पिक्स दो बार जीत चुके हैं और आज आप पार्टी बदल के तैंतीस साल की पार्टी बदल के वापस आए हैं सर देखिए पार्टी बदल के के वाले आप जो शब्द यूज कर रहे हैं वो सही नहीं और ये ये लोकसभा का चुनाव है कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी का चुनाव नहीं हो रहा है और इसके अंदर जनता के बीच में रहने वाले लोगों को जनता पसंद करती है एक लंबा सफ़र राजनीतिक जीवन का रहा है पब्लिक के बीच में रह के पॉलिटिक्स करी है महत्वाकांक्षाएँ तो कभी इतनी बड़ी नहीं रही कि कुछ हम मंत्री बने संतरी बने जनता के बीच में रह के पिताश्री ने और घर के तीन तीन सदस्य लगे हुए हैं तब जाके इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र कंप्लीट कर पाते हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं हम आज तैतीस साल का सफर मुझे लगता है कि इस बार इलेक्शन में रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा कांग्रेस यहाँ से अपनी जीत की शुरुआत करेगी और जो हवा बनी है इसका इम्पैक्ट शेखावटी बेल्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा जी सबसे बड़ा सवाल पे है आपने पार्टी चेंज की है, क्या विशेष कारण रहे होंगे क्योंकि लगातार जनता के दिलों में है कि राजे राठौड़ जिसको आप काका कहते हैं उसके और आपके दोनों विवाद चल रहा था कोई विवाद नहीं विवाद तो काका बताए काका ये बताया कि कारण क्या था क्यों आपने आपको किसी कभी राहुल कसवा सांसद ने चूरू लोक विधानसभा क्षेत्र से कभी एम की टिकट मांगने की बात करी कभी नहीं करी हमने तो जिंदगी में भी क्या उनको चुनाव लड़ना था एमपी का लड़ना होता तो मौका था लड़ लेते तो काका बताएं कारण पब्लिक का एट लार्ज को जाके कि भी मेरे घर मेरे को क्या दिक्कत है बीमारी कहाँ पे दर्द कहाँ है काका बोलते हैं नहीं काका ने कि आपको जयचंद कहा है, तो इसलिए आप नाराज हो गए मेरे को जयचंद कहा काका तो खुद जयचंद के बीच में खड़े होकर जयचंद की बात करते हैं हमेशा काका का तो आप इतिहास देखिए कितने नेता मार नेता के रूप में उन्होंने कितने नेताओं नेता राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम किया है काका की का सोच ही रिफंड रही भी है वो तो पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को साबित जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और पैटी पॉलिटिक्स करते हैं छोटी सोच की पॉलिटिक्स करते हैं बड़ा दिल होना चाहिए था सात सात बार के एमएलए बने हुए हो और जनता के बीच में जिस तरह आप जो आपको अपना एरोगेंस दिखाते हो ना जो आपने अपनी पर्सनैलिटी का जो हिस्सा दिखा रखा है उससे पब्लिक के अंदर बहुत गुस्सा होता है और उस गुस्से का नतीजा था कि उनका चुनाव तारनगर में इस तरी पोजिशन के ऊपर आया खुद अपनी सीट चेंज करी खुद सीट चेंज करके वहाँ चले गए आप अपने सिटिंग सांसद को बुलाना नहीं चाहते और उससे एक्सपेक्ट करते हो कि एक दिन के अंदर चुनाव अगर वो हार गए तो जिम्मेदारी ये ले ले तो ये चलता नहीं है लोग बेवकूफ हो रहा है ठीक है आप जयपुर से आए हैं अच्छे पत्रकार हैं पर लोकल फील्ड में घूम के देखिए कि पब्लिक के मन में उनकी क्या पर्सनैलिटी बनी जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए जाके साथ में क्या लेके जाओगे नाम तो रहेगा ना आखिर में आपने जो कमाया है वो पब्लिक से पूछो एक बार कभी आपने रतनगढ़ में भाबरा जी से इतने स्ट्रॉन्ग लीडर थे हमारे ब्राह्मण्स के क्या किया उनके साथ में अपने पॉलिटिकल करियर कैसे के खत्म कर दिया कितनी सीटें बीजेपी क्यों हारी आज नौहर क्यों गई आपकी सदारसर क्यों गई रतनगढ़ क्यों गई शादलपुर सीट क्यों गई जो बसपा के प्रस्तावक थे उनके घरों में तो आपके ऑफिस थे भाई और जहाँ जयचंद जयचंद का उन्होंने जो बयान दिया था उस फोटो में देखिए आप बसपा का तो पार्षद बसपा का प्रस्तावक बसपा के कार्यकर्ता एक बीजेपी का दिखता चेहरा उस फोटोग्राफ में है जो सादलपुर के उतरकर कर ट्रेन से जब उतरे थे उन्होंने बयान दिया कि जयचंद जब बोला था उन्होंने बीच में खड़े हो जयचंदों के बीच में खड़े हो जयचंद की बात करते हो कौन स्वीकार करेगा इसको आपने देर देर है, देखो आप क्या करते हो फोर्टीन में लग गया फादर के साथ में भैया इनकी टिकट काट दो फिर आप मेरे को टिकट मिल गई तो मेरे साथ इलेक्शन घूमने लग गया आप उस समय बसपा का बसपा के उम्मीदवार कौन थे कम्पिटिशन बसपा की थी नारा आपने दिया इनकी गाड़ी में बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स बसपा के लिए वोट मांग रहे थे पूरे तहसील को जिले को पता है किसी से पूछ लो कि बीजेपी बसपा हो चुकी थी हमारे को जनता का आशीर्वाद मिला हम चुनाव जीत के आए फिर नाइनटीन में आप लग गए कि राहुल कुछ टिकट काट दो फिर खाज हो गई इसको खाज बोलते हैं हमारे देसी भाषा में ऐसे खाज होती है ये क्या हो जाती है जी आप बहुत कॉमेडी आदमी हो शायद में जो जो सुना है आपको वो भी देखने को मिल रहा है एक सवाल यहाँ पे भी था कि विकास के क्या मुद्दे रहने वाले हैं अपने क्षेत्र की के देखिए विकास के मुद्दे हमारे हैं हम हर मिनिस्ट्री का डेवलपमेंट वर्क हमारे कॉन्स्टिटेंसी में लेके आते हैं रेलवेज हो हमने बेहतरीन रेलवे काम कराया है ट्वेंटी नाइन न्यू ट्रेन चलाई है आज हम डबलिंग के कॉन्सेप्ट आ गए हमारा हंड्रेड किलोमीटर का ट्रैक डबलिंग हो रहा है हजार करोड़ की लागत से पाँच पाँच अमृत स्टेशन हमारे बन रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट में पांच स्टेशन कहीं पे भी नहीं बन रहे हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान में जहाँ तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ सुजानगढ़ बन रहा है रतनगढ़ चूरू सादुलपुर गोगा मेडी रेलवे के अंदर हमने बेहतरीन काम करवाया है हाईवेज़ के अंदर हम ट्वेंटी फोर हंड्रेड करोड़ रुपए से काम या तो कंप्लीट करा चुके हैं या काम चल रहे हैं और पूरे राजस्थान में पाँच साल में एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग नया नोटिफाई हुआ है बना नहीं करा मैं नोटिफाई जो एन एच सेवन जीरो थ्री बना चूरू से लेकर जलंधर तक का साढ़े चार सौ किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है सात साल की मेहनत लगी उस हाईवे को बनाने के अंदर हम आज बीमा के अंदर बेहतरीन काम कर नंबर वन राजस्थान चौहत्तर सौ करोड़ का क्लेम डिस्बर्स करा चुके हैं स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास वर्ल्ड क्लास एथलेटिक ट्रैक है चूरू के अंदर जो राजस्थान में मात्र एक ही है दूसरा नहीं है भाई साहब इंडिया में भी खाली पाँच ही हैं तो हर डिपार्टमेंट का, का काम करवाया है उसी एजेंडे को लेकर चलेंगे दो तीन दो बड़े शहरों के बाईपासज की डी बन रही है आगे ट्रैक की डबलिंग और करवाएंगे स्कूलों के एजुकेशन में बड़ा अच्छा फोकस किया है एट्टी परसेंट स्कूल्स के अंदर हम कंप्यूटर लैब दे चुके हैं हाई स्पीड इंटरनेट दे चुके हैं चार सौ मीटर का ट्रैक दे चुके हैं जो बच्चों को पेंटिंग पूरी करेंगे अब स्मार्ट क्लास रूम आ जाएंगे नेक्स्ट लेवल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तीन करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करवाई है थर्टी थ्री के वी जितने भी होते हैं कंट्री में उनके नीचे जो जी एस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए फीडर को वाइफेट कर रहे हैं फीडर को सेग्रीगेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर की लाइन अलग रेजिडेंशियल लाइन अलग नए फीडर्स बना रहे हैं और 33 के से ऊपर जो स्टेट का सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है उसमें 132 220 400 उसके प्लान बना के कम्प्लीट दस साल अन पावर सप्लाई चूरू में होनी चाहिए उस दस साल की पॉपुलेशन के हिसाब से प्लान माइंड में है उसको लेके एग्जीक्यूट करवाएंगे हर विभाग को टच करेंगे झिंगा मछली पालन के ऊपर हंड्रेड करोड़ रुपीज़ का एक्वा पार्क की डीपीआर बन रही है

मिलते हैं बलवान पुणे जी स्टेटमेंट पढ़िए आप क्या कहे में भाषण देने टाइम पे कि जिन्होंने मुझे वोट दिया वो भी और नहीं दिया वो भी दोनों हाथों स्वीकार करता हूँ आइए और इंडिया गठबंधन की मजबूत टीम को जिताने का काम करिए आप भादरा में देखोगे हमारी ऐतिहासिक लीड आएगी पिछले दो बार से मैं एक लाख तीस हजार सत्तर हजार की लीड लेके आता हूँ वहाँ से शुरू में हमने हाजक थ्रू किया बात की कि जनता से तो उन्होंने वंशवाद की राजनीति बताया इसको कैसे बोलते हो वंशवाद आप कैसे कौन डिफाइन करेगा

घर पे कभी जाए देखते हो क्या लोगों की सहूलियतें होती हैं यहाँ चूरू राजस्थान के जब मेरा चूरू ज़िला थ्री फोर्टी किलोमीटर लॉन्ग है एक आदमी जब सुजानगढ़ से चल के जाता है ना राजगढ़ अगर मैं नहीं मिलता तो फादर मिलते हैं फादर नहीं मिलते तो मदर मिलती हैं उस बार बेचारे काम होता है उसके काम वो लोग आते हैं पूरी फैमिली लगती जी इतना आसान नहीं है बोल देना तो मुझसे बड़ा स्मार्ट लगता है पर मेहनत करते हैं और तैंतीस साल तक जनता के दिलों में जगह बनाई है

हमारे को बहुत बड़ा मन है लोगों का सर मेरे लोग दो तारीख को रोए थे सर फोन के ऊपर पचास हजार की भीड़ थी मेरे घर के सामने जिस दिन आठ तारीख को आया था यहाँ से रिश्ते बनाए हैं यहाँ से नहीं यहाँ से जनता कह रही है चूरू की जु, जु, मांग है उनकी कि यूनिवर्सिटी नहीं है चूरू में और बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है प्ले नहीं है गवर्नमेंट तो ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटीज तो कोई है होती नहीं है आपसे उम्मीद लगाए बैठी है जनता चूरू देखिए वो मंत्री मोदी ने क्या किए थे तीस साल के अंदर काका जी क्या करके आए हैं तीन तीन बार मंत्री रह गए क्या लेके आए चूरू के बताओ हम बताएंगे सेतु बंधन की स्कीम आई सर पूरे राजस्थान में फोर्टीन आर ओबी सेंक्शन हुए स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार ने सी आर आई एफ फंड से पैसा दिया सेतु बंधन आर ओ बी बनाने के लिए चूरू जिले के अंदर तीन लेके आया मैं और शहर के अंदर एक लेके आया हूँ और अगर से नगर का रेलवे की पार्टनरशिप में नब्बे करोड़ का आर ओबी बन रहा है आप बताओ ना आपके लेके आए कौन सी यूनिवर्सिटी लेके आए मेडिकल कॉलेज लेके आए भारत सरकार से लेके आए काका ने अपना पत्थर टांग दिया वहाँ पे कि मैंने बनवाया है जनता पागल होना है उसी कॉलेज के साथ में नर्सिंग कॉलेज लेके आए एक आयुष कॉलेज हॉस्पिटल लेके आए आयुष हॉस्पिटल काका ने अपने जो एरोगेंस है ना झेर के उस कोने में बनाया अपने कार्यकर्ता खुश करने के लिए कि पिछले चार साल से वहां को पेशेंट जाने को तैयार नहीं है तो काका से पूछो कि क्या लेके आए का भी जिक्र आपने किया था वैसे एक भी बना हुआ है जो हमारे काका जी द्वारा लिखा हुआ है उसमें बोर्ड भी लगा हुआ है काका द्वारा ये भी कहा था कि कुछ समय बाद बंद कर दिया जाएगा क्योंकि बंद ही पड़ा है पिछले सात साल से उसमें क्योंकि उसने फेल कर दिया उस को उसके जो सस्पेंशन है उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो हैवी लोड उठा लें के तो मतलब ये है कि गड़बड़ी हुई है वो तो काका जी बता सकते हैं क्योंकि बना हुआ है मैं तो क्या बोलूँ तो 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 आप अगर सांसद बनते हैं तो आप आगे मुद्दा उठाएंगे इसको मैं तो सांसद बनने के बाद तो तो मैं था ही सांसद आई की टीम रुड़की से बुलाई उसको अभी अभी विपक्ष में बैठेंगे फिर आप विपक्ष में तो कैसे किसने कह दिया सर अभी तो जनता के हाथ में सब कुछ

इनसिक्योर महसूस करती है पब्लिक लगता है क्या होने वाला है चार सौ बार के बाद में लोग डर गए हैं कि देश से कहीं बाहर निकलना पड़ जाए लोग डर गए हैं कि वोटिंग राइट्स बंद ना हो जाएं लोग डर गए कि आरक्षण बंद ना हो जाए और गवर्नमेंट और भजन जी सरकार को तो, तो बताना चाहिए कि चार पार का मतलब क्या होता है क्या करने वाले हो आपके दो सीटिंग जो प्रत्याशी है बीजेपी के उनके स्टेटमेंट्स हैं संविधान बदल देंगे क्या बदलना चाहते हो एक अंतिम सवाल क्योंकि अब आने वाला है कि कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में आने वाली इस बार राजस्थान की पूछोगे राजस्थान राजस्थान में हम कम से कम बारह सीट लेके जाएंगे इस बार शेखावटी बेल्ट नॉर्थ राजस्थान नॉर्थ राजस्थान साफ हो जाएगा पूरी उम्मीद है मुझे तो ये थे राहुल कस्वा हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी जिन्होंने बीजेपी से बगावत करके नेतृत्व चुनाव लड़ने का फैसला किया लेकिन बाद में उन्होंने फैसला बदलते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हाल फिलहाल इनका वर्चस्व जो है इनकी दावेदार जो है वो ताल ठो की नजर आई अब देखने वाली बात यह होगी कि देवदास आजादी जो बीजेपी के कैंडिडेट उतारा है देवदास आजादी पर जो दाव खेला बीजेपी ने वो कितना मजबूत है लेकिन हाल फिलहाल राहुल कस्वा अपनी मजबूती पक्की मान रहा है कैमरा पर्सन रामाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल नगरी मीडिया जयपुर